Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक और important बात मैं तुम्हें आज और बताता हूँ दोस्तों. अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उसके अंदर जो हमें given balance हुआ करता था cash book का उसी से हम लोग recompilation statement बना या ऐसे कहेंगे उसी given balance को passbook से compare करने की कोशिश. But reality में या ऐसे कहेंगे practical life में जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो एट द एंड ऑफ क्वार्टर, ईयरली बना रहे हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर, हाफ ईयरली बना रहे हो तो एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, बीच में जब तुम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओगे तो वही सिस्टम है जो मैंने अभी आपको बताया. लेकिन अगर एट द ईयर एंड बना रहे हो तो आपको सबसे पहले अपनी कैश बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, या ऐसे कहें कि जो इतने सारे कॉजेज ऑफ डिफरेंस हैं उनमें से जो कॉजेज कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाने चाहिए वो कैश बुक में पहले रिकॉर्ड करेंगे और फिर ये जो कैश बुक का नया बैलेंस होगा इसको रिकॉन्सिलेशन के लिए यूज करें. सो ऐसे केस में हमें कैश बुक को एडजस्ट करना. खैर इसके बारे में आपको हल्की सी और डिस्कशन करता हूँ. BRS is generally prepared with given cash book balance during financial year. The word is during financial year. The word is during financial year. But at the end of financial year, before preparing BRS, cash book must be correct. किन-किन वजहों से should be adjusted for the entries that should have been recorded but have not been recorded in the cash. जैसे bank charges काटे, तो bank वालों ने तो ठीक काटे है ना, हमें record कर लेने चाहिए, हमने अब तक नहीं किए, करो. bank वालों ने interest या dividend मेरा direct collect किया, वो हमें record करना चाहिए, bank वालों ने तो ठीक किया, कोई check dishonor हो गया, bank वालों ने minus कर दिया, हमें भी minus कर लेना चाहिए, पर अब तक हमने किया नहीं. तो ये सारी वो चीजें हैं जो basically bank वाले कर चुके हैं, हमें कर लेना चाहिए था, पर हमने लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं किया था, तो उसको पहले करो, इसकी वजह से हमारा कैश बुक अमेंड होगी. कैश बुक अमेंड होने के बाद जो फाइनल बैलेंस निकलेगा वो फाइनल बैलेंस BRS के लिए यूज करना है, और इट इज सो बिकॉज बैलेंस शुड शो द करेक्ट बैंक बैलेंस विच शो ओनली रेक्टिफाइड कैश. जब तक तुम रेक्टिफाइड कैश बुक नहीं बनाओगे तब तक करेक्ट कैश बुक का बैलेंस नहीं निकलेगा. और बैलेंस शीट में मैंने बताया ना, एट द ईयर एंड अगर मैं BRS बना रहा हूं तो मुझे बैलेंस शीट भी बनानी है, उस बैलेंस शीट में मुझे करेक्ट बैंक बैलेंस शो करना है और वो मुझे रेक्टिफाइड कैश बुक देगी. ड्यूरिंग द ईयर तो मैं जो मर्जी करता रहूं क्योंकि मुझे बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, इस वजह से मुझे पहले रेक्टिफाइड कैश बुक बनानी पड़ेगी और फिर उससे जो कैश बुक का बैलेंस निकलेगा मतलब बैंक बैलेंस निकलेगा उसको पासबुक के बैलेंस से रिकॉर्ड. कैश बुक में जो जो ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, एंड देन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द करेक्टेड कैश. ठीक है, ओके.